हाय हाय हाय। सो सौम्य सर मेरे बहुत ख़ास हैं बिकॉज मैंने एक शो किया था फाड़ू, तो वो उनके लेखक हैं। आई लिटरली हैव नो वर्ड्स फॉर दिस प्ले यार। मैं इतना एक साथ हंसा या रोया साथ में नहीं हूँ। सच अ वंडरफुल राइटर, और आज जाके पता लगा वो कितने वंडरफुल एक्टर हैं, कितने वंडरफुल डायरेक्टर हैं। आई एम लिटिल स्टिल स्टंड बाय द प्ले। इट्स ब्यूटिफुल यार, बहुत बहुत प्यारा लिखा है सर ने और बहुत कमाल परफॉर्म किया है। गेट द टाइम, वॉच दिस प्ले। दिस इज, मैं 11 जून को दोबारा आई एम गोना वॉच इट अगेन बिकॉज आई स्टिल हैवन गॉट इनफ ऑफ इट। माई लव एंड माई सपोर्ट टू सौम्या सर, ही इज ब्यूटिफुल। बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। पहले आधा घंटा तो मैं हंसते रहा, उसके बाद एक्चुअली मैं उन कम लोगों में से हूँ जो फर्स्ट हाफ में ही रोने लग गया था, और मुझे मालूम था कि सेकेंड हाफ बहुत इमोशनल होने वाला है, लेकिन इतना इमोशनल होगा कि मैं इतना रोऊंगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। एक्सलेंट प्ले, ब्यूटिफुल, वंडरफुल, ग्रेट राइटिंग, ग्रेट डायरेक्शन, ग्रेट परफॉर्मेंसेस, मतलब बेहतरीन जिसको बोलते हैं। और जैसे उमेश शुक्ला जी का प्ले था 102 नॉट आउट और उन्होंने फिल्म बनाई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पर भी वो या कोई और फिल्म बनाएगा। और 102 नॉट आउट जब रिलीज़ होने वाली थी तब मैंने कहा था कि सिर्फ ट्रेलर देख के ऐसे लगता है कि ये फिल्म चलेगी, ये प्ले देख के मैं बोल रहा हूँ जब भी फिल्म बनेगी फिल्म बहुत चलेगी। इट्स अ वंडरफुल प्ले, एब्सोल्युटली वंडरफुल। अरे वाह, वेलकम जिंदगी कमाल का प्ले है भाई, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, हर एक को देखना चाहिए। ये वाकई ज़िंदगी क्या है समझ में आएगी आपको, और फैमिली में जो ख़ास ख़ास बातें होती हैं और इम्पॉर्टेंट थिंग्स, इम्पॉर्टेंट ऐसे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से गलत फहमी मैं ज़िंदगी गुजर जाती है, ऐसे लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। वेलकम जिंदगी, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, कमाल का काम किया, सब ने अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया। तीन ही आर्टिस्ट लोग हैं माइंड ब्लोइंग, लोगों को पकड़ के रखे उन्होंने, बेहतरीन स्क्रिप्ट, बेहतरीन डायरेक्शन, वंडरफुल एक्ट्रेस, बेहतरीन प्ले। बिल्कुल आनी चाहिए, बननी चाहिए, एक सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, समाज के लिए बेहतरीन फिल्म है। नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, ये बहुत बढ़िया काम है, ये अलग के है, बहुत अच्छा। थैंक यू। हम लोग भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। बहुत ही अच्छा थॉट है इस प्ले के अंदर, और आई डोंट थिंक आजकल ऐसे प्लेज हैं जहां पर आपको इतना अच्छा मैसेज दे मिलता है, तो मैं रेकमेंड करूंगी ये प्ले कि फैमिलीज़ प्लीज़ आकर देखिएगा। बहुत ही प्यारी कहानी है मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और आज हम एज अ फैमिली आए हैं तो बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया इस चीज़ को, हम रिलेट कर पाए बहुत सारी चीज़ें। मैं वही कह रहा था कि बाप और बेटे की कहानी है, और डैड के साथ आया हूँ प्ले देखने, तो मुझे लगता है हर बाप बेटे को, बाप बेटी को आना चाहिए, घर के सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सब दूर हो जाएंगे, तो ये प्ले बहुत ज़रूरी है। और 11 जून को हो रहा है मुंबई में, हर एक को देखनी चाहिए प्ले। अरे बिल्कुल 100% फिल्म आनी चाहिए, बननी चाहिए, प्लेस से इंस्पायर्ड बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं, तो ये कहानी इतनी स्पेशल है कि अगर फिल्म बन जाए इस पर तो बहुत लोगों तक पहुंच पाएगी ये कहानी, ये मैसेज, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। डेफिनेटली फिल्म आनी चाहिए।
बहुत बिल्कुल आनी चाहिए और हर घर की कहानी है तो मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी रिलेट करेगा अपने माँ बाप और ये वो जो इमोशनल फैमिली इश्यूज़ है वो सब इस प्ले में हमने देखा आज तो ज़रूर। और उमेश जी तो अमेजिंग डायरेक्टर है, वो तो एक्सपर्ट है प्लेस को फिल्मों में कन्वर्ट करने में, तो अमेजिंग है और बहुत गुड चांस दैट आ सकती है, बन सकती है 100% है। थैंक यू। मतलब एकदम ही बेहतरीन नाटक है, हमने गुजराती में देखा था 10 साल पहले एंड हिंदी का जो ट्रांसलेट किया गया है, जो काम किया गया है एक्टरों ने, जो काम किया है, इट्स जस्ट अमेजिंग कि वो जो ह्यूमर है, वो पैथोस है, एकदम बढ़िया ट्रांसलेट होता है। और सबसे इम्प्रेसिव चीज़ इसमें यह है कि जो लेखक, डायरेक्टर, एक्टर ऑल्सो सौम्य जोशी, ही हैज़ केप्ट इट सो शार्प एंड इट इज़ स्टिल पोएटिक। मतलब द क्राफ्ट इज़ विजिबल, लेकिन इसमें धड़कता हुआ दिल भी है, तो बहुत बहुत कमाल का नाटक है। मतलब ये तो 4 बार देखने लायक नाटक है, बेहतरीन, सवाल ही नहीं है। ऑफकोर्स अभी आप देखिए 102 नॉट आउट जैसा जो जिसका फिल्म बना था एंड इट जस्ट रियली वर्कड। आई थिंक दिस वर्क्स, ये स्टोरी का फाउंडेशन ही इतना कड़क है कि ऑफकोर्स इट शुड मोस्ट डेफिनेटली बी सीन एज अ फिल्म, लेकिन टू सी दिस ऑन स्टेज हैज़ इट्स ओन जॉय ऑल्सो, तो इसको स्टेज पे तो डेफिनेटली डिस्कवर करना ही चाहिए। जी जी, थैंक यू सो मच। जी, तो आशा है, अभी तो शूटिंग तो बड़ी दूर की बात होती है, पहले तो डेवलप होगा सेकंड सीजन का स्क्रिप्ट और आगे बात चलेंगी, तो आई होप कि हो, हम सब चाहते हैं कि हम बना पाए, अगर होगा तो बड़ा मज़ा आएगा। जी जी जी, हाँ, तो अभी एक अमेज़ॉन का एक शो आ रहा है और एक पिक्चर जो लिखी है जियो सिनेमा पे आ रही है, और बाकी थिएटर का भी काम करते हैं, तो अब एंड ऑफ मई में यहीं पे एक्चुअली हमारे शोज़ हैं, इंग्लिश नाटक है एज बीज इन हनी ड्राउन करके, और एक जो नाटक लिखा है वो भी जून में आ जाएगा, तो काफ़ी सारा काम एक साथ ही आ रहा है। जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे बाप रे, मुझे बहुत 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 अच्छी लगी, और सौम्या जोशी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी जो वेब सीरीज़ आई थी फाडू ऑन सोनी लिव, उनके राइटर है वो, और वो वैसे ही तभी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिखी थी, और अब ये वाली जो प्ले है, आई थिंक एवरी चाइल्ड, एवरी फादर, एवरी मदर, सबको देखना चाहिए, बिकॉज इट्स अ रिलेशनशिप स्टोरी, एंड सौम्या जोशी जिस तरह से लिखते हैं और जो छोटी छोटी इंसाइट्स हैं उसको 1-2 घंटे के प्ले में दिखाना और बिना कोई कट के और एक शॉट में करना, क्योंकि ये फीचर फिल्म नहीं है जहाँ पे आप कट बोल सकते हैं, बाद में एडिट कर सकते हैं, पर उस इंटेंसिटी से जो आप बात करते हो और जो इमोशंस लेके आते हो, एंड द रेस्पॉन्सेज जब ऑडियंस तालियाँ बजाती है, एंड दैट इज़ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग थिंग, सो आई फील एवरीवन शुड वॉच दिस प्ले, और इट्स गोइंग टू कम सून ऑन नेक्स्ट मंथ अगेन इन एंड्रूज, और मुझे लगता है कि सबको देखनी चाहिए, एंड आई जस्ट ओनली विश जिग्ना, सौम्या, ऑल द बेस्ट, और जस्ट कीप, एंड आई वॉन्ट टू कीप वर्किंग विद सौम्या, सो येस, इट्स ओनली लॉट ऑफ लव फॉर हिम। इस पर फिल्म 100% बननी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोला सौम्या को, मैं मिली थी उनको पीछे बैक स्टेज में, और मैंने बोला सौम्या दिस सच अ गुड फिल्म, ये तो फिल्म बननी चाहिए। देर आर फ्यू अनाउंसमेंट्स, तरला हमारी जो फिल्म है वो आएगी सून, और बस करो आंटी है सिड रॉय कपूर और रॉनी स्क्रूवाला के साथ, और बवाल आएगी नितेश की फिल्म जो साजिद सर के साथ बना रहे हैं हम, तो एंड मेरी खुद की थोड़ी फिल्म है जो मैं अनाउंस करूँगी सून, बट अभी फ़िलहाल वी शुड एन्जॉय दिस प्ले एंड जस्ट विश ऑल ऑफ देम ऑल द बेस्ट, और मुझे लगता है कि वी शुड एंकरेज राइटर्स एंड डायरेक्टर्स लाइक सौम्या जोशी टू कीप क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़, बिकॉज उसकी हमें बहुत बहुत ज़रूरत है। I'm good, how are you? वेलकम जिंदगी एक मैंने पहली बार देखा है,
और एक बात दिल पर लगी, जो टाइटल है वेलकम जिंदगी, उसे वाकई वेलकम किया जाता है। सौम्या की परफॉर्मेंस, सौम्या जी ने कमाल निर्देशन किया उसका, अपार्ट फ्रॉम द डायलॉग्स, साथ में जिगना जी उनके साथ और उनके बेटे बैंकर, शुरुआत से लेकर अंत तक, खास करके वो जो एंड का मोनोलॉग आता है और वो बारिश का सीक्वेंस आता है, और फिर जब उनकी पत्नी कहती है कि जो आप बातें कह रहे थे वो मैंने फ़ोन ऑन कर दिया था और आपके बेटे ने सुन लिया था, उसका बेटे का वहाँ आना फूलों का गुलदस्ता लेकर, और फिर वो सेलिब्रेट करते हैं, वो कमाल की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बातें होती हैं वो मुझे नज़र आई। और एक परिवार का प्यार, पिता का प्यार अपने बेटे के साथ, पत्नी का प्यार अपने पति के साथ, ये सब देखकर आंखें भर आई। बहुत ही अच्छा लगा, आई वुड रिकमेंड दिस प्ले टू एवरीबॉडी, देखिए बहुत पसंद आएगा। शो के नेपथ्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शो के नेपथ्य, जो स्टेज वगैरह डिजाइन किया था बहुत अच्छा, बल्कि एंड की लाइन तो बहुत ही अच्छी लगी उनकी, जब वो कहने लगे कि भैया सब लोग आइए स्प्रेड द वर्ड अराउंड, ये बड़ा प्रोडक्शन एक्सपेंसिव होता है, देखिए बारिश का लाना, वो एक जगह पर प्रोडक्शन वैल्यूज इतने नज़र आते हैं, वो बाथरूम का सिंक, वो बाथरूम में जाना, वो किचन, वो घंटी की बातें, शुरुआत देखो अब क्या प्ले शुरू होता है कि एक पत्नी किस तरह अपने पति को तैयार करती है वो काम पर जाए, वो ट्रेन का पूरा सिक्वेंस कि कितने धक्के खाता है वो आदमी, कहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई, पिता अपने बेटे को नहीं समझ पा रहा, बेटे अपने बाप को नहीं समझ, पिता को नहीं समझ पा रहा, पत्नियों के बीच में जूझ रही है, कितनी चीज़ें हैं, कितना सौम्या जी की जितनी तारीफ की जाए कम है, उन्होंने ये लिखा भी है, परफॉर्म भी किया, डायरेक्ट भी किया, कमाल की बात है, और प्रोडक्शन वैल्यूज ऑफ फैंटास्टिक हर चीज़। मैं प्रोड्यूसर को भी नमन करना चाहता हूँ, परफॉर्मर्स को भी, और जितने भी लोग इसके आगे और पीछे हैं, यानी कि मेकअप आर्टिस्ट, लाइटिंग एक्सपर्ट्स, सबको नमन करना चाहता हूँ। आई लव द प्ले। थैंक यू। इसमें देखना, इसमें अच्छा, ओके। या कैसा लगा सर ये प्ले आज आपने देखा? प्ले इज अमेजिंग एंड आउटस्टैंडिंग। मैंने ये गुजराती प्ले तकरीबन 10 साल पहले देखा था, एंड आई एम शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि हिंदी लैंग्वेज में भी ये इतना ही शार्प, इतना ही फ्रेश और इतना ही एंटरटेनिंग है। इट्स अ पावर पैक्ड परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट राइटिंग, एंड इट्स आउटस्टैंडिंग। इट्स अ मस्ट वॉच प्ले। Please do watch it, and especially father and son duo, you have to go together and you have to watch this play. बात करें अगर सर कैरेक्टर की, तो आपको सबसे ज़्यादा कैरेक्टर कौन सा पसंद आया तीनों में से? It's very tough. Yeah. But I would say Soumya sir's character is brilliant, because the way he suppresses the pain and his frustration which he wants to speak. Because as a father, you never get a chance to express. Because majority of the father, they always suppress their emotions. They can never tell their son that I love you, I care for you, and I have cared for you, and I have always loved you. It is a very tough job to be a father, and he has played that character brilliantly. Brilliant. Super. Thank you, sir. Thank you very much. बहुत बेहतरीन ड्रामा है, इस गुजराती में भी हुआ था और हिंदी में आ रहा है, एंड मैं समझता हूँ कि आपको झंझोड़ के रख देगा ये ड्रामा, सोचने पे मजबूर करेगा। बेहतरीन प्ले है, इतना इमोशनली आदमी चार्ज हो जाता है कि ज़्यादा बोलना मुनासिब नहीं है, और ये दिस प्ले आपको देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। सर अगर बात करूँ कलाकारों की, तो आपको कलाकारों का परफॉर्मेंस देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी जी, यस, वेलकम जिंदगी, माइंड ब्लोइंग नाटक, अरे सुपर्ब नाटक है। पहले गुजराती में हुआ था तब भी हमने देखा था, और ये वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न परफॉर्म्ड नाटक रहा है, और ऐसा थिएटर अभी बहुत कम मिलता है देखने को, तो ये ऐसा थिएटर सबको एंजॉय करना चाहिए,
और ये कम से कम दो बार देखने जैसा नाटक है, क्योंकि इसमें लेयर्स बहुत है, इसके परफॉर्मेंसेस बहुत सुपीरियर है, उसकी राइटिंग ब्रिलियंट है और टाइम टेस्टेड है। गुजराती में करीबन 800 शोज हुए, हिंदी में पहला ओपनिंग है, तो सबको ये देखना चाहिए और मज़े लूटने चाहिए। थिएटर लवर्स के लिए कंपलसरी है।